हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। सीएमपी डिग्री कॉलेज में कोई यूजी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और कई कट ऑफ आनी शुरू हो गई हैं, और इसमें जो समस्या आ रही, कई बच्चे मतलब अपना यहाँ पर जो दिया गया है कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। आप कभी भी किसी टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फीस पेमेंट होगी, जो आप सेलेक्ट करेंगे सब, वो बाद में जब कट ऑफ आएगी तभी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपका अगर बी ए एल एल बी में लेना है तो आपको 2024 बी एल एल बी लिखना है, और उसके बाद फिर अपना सी यू टी का वाला जो फॉर्म नंबर है, सी यू टी में फॉर्म नंबर जो होता है वो आपको फिल करना है यहाँ पे। वही हाल बी एस सी बायो वाले हैं तो बी एस सी 2024 बी एस सी बी लिखा है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है ना ऐसे लिखना है, बी एस सी बी सी यू टी ऐसे सबका लिखा गया है। जो जिसमें इनरोल करना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन लेना चाहता है, उसमें वो ले सकता है। अब कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कितनी आई हैं, कट ऑफ जो आई हुई है उसको देख लेते हैं। कट ऑफ डेली आ रही है तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, नीचे लिंक दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन भी किया गया, फॉर रजिस्ट्रेशन सी यू टी एप्लीकेशन अप्लीकेंट मस्ट यूज दियर फॉर्म नंबर नॉट अप्लीकेशन नंबर फॉर एनी स्पेसिफिक कोर्स काइंडली चेक द पॉपअप ऑफ दिस पेज, जो वही आया था ना वैसे आपको फिल करना है। और यहाँ पर आपके लिए जो कट ऑफ जारी हुई है एडमिशन के लिए, आपका बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीए की कट ऑफ जो आई हुई है कल के लिए 540 है जनरल कैटेगरी में, और बीकॉम में 350 है जनरल कैटेगरी में। बाकी बीएलएलबी में 425 नंबर की कट ऑफ आई हुई है। और अगर रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत है, नीचे लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में चलिए थोड़ी सी बताते हैं कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पेज पर आएंगे, ये जो लॉगिन लिखा है ना यहाँ पर, ये लॉगिन इस साइड जो आया रहा ना, रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन ओनली, इधर जाएंगे तो अपना यहाँ पे आप सब्जेक्ट यूज, सब्जेक्ट स्टूडेंट यूज सब्जेक्ट कोड विथ रोल नंबर के साथ, यानी कि आपका आपके साथ रोल नंबर नहीं डालना है, सी यू टी फॉर्म नंबर फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको जो आएगा वो करना है। फिल करने के बाद फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फिर वो डिटेल पूरा दिखेगा। डिटेल आने के बाद आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैसे किया गया, अगर आप करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कैसे करना है, तो आप मेल आईडी या अपना जो डिटेल है भेज सकते हैं, आपको करके दिखा दें एक वीडियो में कैसे करना है। अन्यथा एक नीचे भी लिंक है, और जैसे वो पीजी का वैसे वो पीजी का है, लेकिन आपके लिए भी वो उपयोगी है, आप वहाँ से देख कर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।